नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इमेजिन टेक्नोलॉजी के ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि वाटर लेवल कंट्रोलर आखिर होता क्या है। देखिए, वाटर लेवल कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से आप जो पानी की मोटर होती है उसे ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में बताने वाला हूँ जो सरकारी नल कनेक्शन वाले व्यक्ति अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर वाटर लेवल कंट्रोलर की आवश्यकता क्यों है। देखिए, जो सरकारी नल है वो एक टाइमिंग के साथ आते हैं, उनका टाइम होता है और कहीं कहीं तो वह जो है टाइम बे टाइम भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको या तो नल कब आ रहे हैं इसको मॉनिटर करना पड़ता है, तो वो बार बार आपको मॉनिटर ना करना पड़े, या जैसे अर्ली मॉर्निंग नल आते हैं कभी कभी तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ करके मोटर स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ऐसे में ये वाटर लेवल कंट्रोलर ऑटोमेटिकली ही सेंस कर लेगा कि कब सप्लाई में पानी आ रहा है और उसकी सहायता से मोटर को ऑन कर देगा। तो यह तो हो गई नंबर वन कंडीशन जिसके लिए हम वाटर लेवल कंट्रोलर यूज़ करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए यदि टंकी भरा जाती है, जो ओवरहेड टैंक है वो फुल हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको मॉनिटर करना पड़ता रहता है। मोटर चल रही है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि टंकी जब फुल हो जाएगी तो आप मोटर को बंद कर दें। लेकिन यदि आपने वाटर लेवल कंट्रोलर लगा रखा है तो जैसे ही टंकी फुल होगी वैसे ही यह ऑटोमेटिकली मोटर को ऑफ कर देगा। तो इस तरह से यह दो कंडीशन में सेंस कर सकता है, एक तो जब नल आ रहा होगा तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, दूसरा जब टैंक भरा जाएगा तो मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। तो अब आपको नल के संबंध में कोई समस्या नहीं रहेगी, आपकी मोटर ऑटोमेटिकली जो है चालू और बंद होती रहेगी। ये इमेजिन टेक्नोलॉजी का हमें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लगाने वाला वाटर लेवल कंट्रोलर मिल चुका है, तो इनके आप ये ऊपर से ब्रांडिंग वगैरह देख रहे होंगे। तो देखें, ये एक बहुत ही रिपोर्टेड ब्रांड है क्योंकि इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मोशन सेंसर भी ये लोग बनाते हैं, डिजिटल रिमोट स्विच फॉर फैन, तो इस तरह के काफ़ी सारे ये प्रोडक्ट बनाते हैं। वाटर लेवल कंट्रोलर भी दो तीन वेराइटी में बनाते हैं, इनके बाद मोशन सेंसर बनाते हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट्स का मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप इनसे संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप जा करके और सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं और देख लेते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं कि यदि इस प्रोडक्ट को आपको परचेस करना है तो आप अमेजन पर इसे परचेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पर इसकी कुछ प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह है, ये मैनुअल आ जाता है, मैनुअल को देख करके भी आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। हालांकि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको मैनुअल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखें हम यहाँ पर, तो इसकी जो ये मेन प्रोडक्ट है ये इसमें देखें आप लोग इसे, तो ये जो प्रोडक्ट है ये वाटर लेवल कंट्रोलर, आपको जो इसका फिजिकल व्यू दिख रहा होगा आपको ये इस तरह से इसका फ्रंट लुक दिखता है, काफ़ी अच्छा फ्रंट लुक है। और इसके जो मेटलिक बॉडी में आपको प्रोवाइड किया जाता है, और इसके ये आपको यहाँ पर सेंसर मिल जाते हैं, इन्हीं तीन सेंसर को आपको टैंक में लगाना पड़ता है। किस तरह से लगाना है यह मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा। चलिए अभी इसे रख देते हैं। तो इसमें सेंसर जो है मेटलिक सेंसर होते हैं, तो चलिए इन्हें अभी रख देते हैं, इनके बारे में हम जब इसे ओपन करेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। अभी इसे इसकी पैकिंग देखें आप, बिल्कुल इसे बढ़िया तरीके से पैक करके भेजा जाता है। यहाँ पर इसमें कुछ सेंसर वगैरह लगाने के लिए ये सारी एसेसरीज़ हैं, तो इसे किस तरह से लगाना है ये सभी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। अभी इन्हें मैं रख देता हूँ। और यह वाला सेंसर जो आप देख रहे होंगे, इस सेंसर को हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो वाटर सप्लाई होती है उसके नल के अंदर आपको इस सेंसर को इंस्टॉल करना होता है। तो चलिए इसे हम रख देते हैं अभी। तो दोस्तों, ये जो वाटर लेवल कंट्रोलर है, इस वाटर लेवल कंट्रोलर को आप देख रहे होंगे, इसे हमने बाहर निकाल लिया है और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह की इसकी टोटल डिज़ाइन, पूरी डिज़ाइन इसकी किस तरह से होती है। तो इसका जो फ्रंट कवर होता है, फ्रंट कवर ये मेटलिक बॉडी का बना होता है, और बाकी का जो कवर होता है ये प्लास्टिक बॉडी का बनाया जाता है ताकि डिवाइस थोड़ी सी लाइट वेट रहे। इसे हम लोग तीन मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, इसे आप ऑटोमेटिक मोड पर ऑपरेट कर सकते हैं, और इसे आप मैनुअल मोड पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब आप इसे मैनुअल मोड पर ऑपरेट करेंगे तो ये स्टार्ट स्टॉप बटन, तब यहाँ पर आप इसे मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम तीसरे मोड की बात करें तो तीसरा मोड जो होता है वह ऑटोमेटिक मोड में ही होता है, लेकिन उसके लिए केवल आपको, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आप स्टार्ट करना चाहें तो केवल स्टार्ट बटन को प्रेस कर दें
तो ये जो ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है मोटर को ऑन कर देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली ही मोटर जो है जैसे ही टैंक भरा जाता है तो बंद हो जाती है। तो इसे हम समझ सकते हैं ये तीसरा मोड होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इन सेंसर्स का टैंक में कनेक्शन करना है और टैंक में किस तरह से इन्हें प्लेस करना है और इन वायर्स के थ्रू आपको किस तरह से इनमें कनेक्शन करना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम एक 3 कोर केबल का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये प्रत्येक जो वायर है इसके साथ एक सेंसर जुड़ा रहेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रेड वाला वायर है, ये जो रेड कलर का वायर है इसके साथ हम रेड वाला सेंसर कनेक्ट कर देंगे। ये जो ग्रे वायर है इसके साथ हम ब्लू वाले सेंसर का कनेक्शन कर देंगे और सबसे लास्ट में ग्रीन वाले के साथ येलो वाले सेंसर का कनेक्शन कर देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है कि जब हमने ये वायर्स के कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप ये 3 कोर केबल का यूज़ करें ताकि ज़्यादा वायर्स जो हैं ये आसानी से आप नीचे जो मेन यूनिट लगी हुई है हमारी वाटर लेवल कंट्रोलर वहाँ तक आसानी से आप इसे ले जा सकें और ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है, अब जब हम इसका कनेक्शन करना होता है टैंक में सबसे नीचे लेवल का जो सेंस करने के लिए आप रेड वाला सेंसर लगाते हैं और उसको सबसे बॉटम में प्लेस करेंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार से फिर इसके बाद जो येलो वाला सेंसर होता है तो येलो वाले सेंसर को आप यहाँ मिडिल में प्लेस करेंगे। ठीक है, और सबसे टॉप पर हम ये ब्लू वाला सेंसर यहाँ प्रो पे कनेक्शन करते हैं। तो इस तरह से आप इनकी पोजीशन देख सकते हैं, इस तरह से इनकी पोजीशन टैंक में होती है। तो इन्हें आप किसी भी स्ट्रिप में लगा सकते हैं या चाहे तो आप इन्हें ओपन भी लटका सकते हैं, लेकिन अगर ओपन आप लटका देंगे तो ये पानी के साथ ऊपर उठने की संभावना रहती है, तो इसलिए आप किसी स्ट्रिप वगैरह में इसे लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरह से जैसा हमने दिखाया गया है, एक स्ट्रिप ली हमने और इस स्ट्रिप पे तीनों सेंसर्स को हमने ये वायर की सहायता से यहाँ पर इन्हें प्लेस कर दिया है। अब देखिए अब जो रेड वाला सेंसर है वो सबसे बॉटम में प्लेस कर दिया है, उसके ऊपर येलो वाला सेंसर लगाया है और यहाँ पर ब्लू वाला सेंसर लगाया है। तो इस तरह से आप इन्हें टैंक में किसी स्ट्रिप की सहायता से लगा दीजिए। तो दोस्तों ये जो वायर्स हैं इन्हें आप या तो जो यहाँ पर ये हमारा ओवरफ्लो वाला पाइप होता है तो ओवरफ्लो वाले में से नीचे वहाँ पे आप दिख रहा होगा तो ओवर वाले पे पाइप में से आप ला सकते हैं इन वायर्स को, या फिर आप जो उसका ऊपर की केप होती है उस केप में होल करके भी आप इन वायर्स को अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम आपको बता देते हैं कि जो सेंसर हमने टैंक में प्लेस किए हुए हैं उन सेंसर्स का कनेक्शन इस ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर में किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जो सेंसर है हम सेंसर के बारी बारी से कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम B1 और G1 सेंसर का कनेक्शन करते हैं, उसके बाद में आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो B1 वाला सेंसर है, इस B1 वाले सेंसर को हम लोग लगा देते हैं। इसके लिए आप ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जो इसको आपको नज़र आ रहे होंगे इन्हें आप पहले लूज़ कर लीजिए और लूज़ करने के बाद आप यहाँ पर वायर्स को इंसर्ट करके कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन जो है लूज नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट जो सेंसर है वो G1 वाला सेंसर है, तो G1 सेंसर की जगह पर जैसे ये जो G1 है तो इसकी जगह पर आप ये येलो कलर का वायर वाला जो सेंसर आ रहा है इस सेंसर को लगा दें जो मिडिल में आपने प्लेस किया हुआ था, उस मिडिल में आप लोग यहाँ पर इसे लगा देंगे। तो ये जो सबसे बॉटम में हमने सेंसर प्लेस किया था रेड वाला, तो ये उस रेड सेंसर का या बॉटम वाले सेंसर का पॉइंट है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर रेड वायर के साथ R1 R2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो रेड वायर जोड़े जाएंगे तो ये दूसरा जो रेड वायर होगा ये जो हमने नल जो हमारा है घरेलू जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सप्लाई वाला पाइप है उस पाइप में आपको इस सेंसर को प्लेस करना होता है। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें एक रेड वायर होता है, ये रेड वाला वायर यह वाला, तो ये सेंसर को आप नल में लगा दें और साथ में इसके जो सेंसर वाला रेड वायर आ रहा है इन दोनों रेड वायर्स को कनेक्ट कर देंगे हम एक साथ ही। इन्हें एक साथ आपस में अच्छी तरह से स्ट्रेंड कर दीजिए और उसके बाद ये जो रेड वाला वायर है यहाँ पर R1 और R लिखा हुआ है इसे लूज़ करके इसे हम लोग लूज़ कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ ऊपर से, और लूज़ करने के बाद इसे हम प्लेस कर लेते हैं। अब जो इन ये जो जिस वाइट कलर का आप देख रहे हैं इनलाइन सेंसर जिसे नल में लगाया जाता है, इसका जो ब्लैक वायर बच रहा है उसे जी की जगह पर जो सबसे लास्ट में ये जी वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जो अंडर के नीचे जी वाला लिखा हुआ है यहाँ पर आप कनेक्ट कर देते हैं।
तो इसे हम लोग अब अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से आपने सेंसर, वाटर टैंक वाले सेंसर और इनलाइन सेंसर, इनके कनेक्शन सीख लिए हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर एक पॉइंट जो बी वाला यहाँ पर खाली रह जाता है, इसमें किसी भी वायर का कनेक्शन नहीं करना होता है, यह बी वाला पॉइंट खाली रहता है। तो ये दोस्तों, अब हम विभिन्न प्रकार के जो इसमें सेंसर दिए जाते हैं, इन सेंसर्स के कनेक्शन सीख चुके हैं। सबसे लास्ट में इनलाइन सेंसर के कनेक्शन होते हैं और ये यहाँ पर तीन सेंसर के कनेक्शन होते हैं। तो किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, टैंक में कनेक्शन करना बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन करके और आपको ये इनलाइन सेंसर को जो वाटर सप्लाई है उसमें लगाने के बाद और आपको ये पूरा सिस्टम दिखाता हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ पर हमने वाटर लेवल कंट्रोलर के कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर इनपुट और आउटपुट कहाँ से दिया गया है। तो जैसा आप देख रहे होंगे, यहाँ से जो सप्लाई इनपुट दिया हुआ है इसमें, और जो राइट हैंड साइड पर यहाँ पर हमने इसमें जो उसका आउटपुट होता है जो मोटर में जाता है वह जोड़ दिया हुआ है। अब इसे वापस हम लोग प्लेस कर देते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ इनलाइन सेंसर लगे हुए हैं और अब इसमें देखिए पानी आपको यहाँ पर लीक होता हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो पानी इसमें आ रहा है इनलाइन सेंसर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इसे हम चालू करेंगे सप्लाई को, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो सबसे बॉटम वाला जी इंडिकेटर है, एलईडी इंडिकेटर, यह ग्लो करता है। इसका मतलब है कि अभी सप्लाई में पानी आ रहा है। इसके अलावा टैंक चूँकि फुल है तो बी1 और जी1 दोनों में यहाँ पर ये ग्लो होगा। इसका मतलब है टैंक हमारा ओवरहेड पूरा फिल है, पूरा पानी इसमें भरा हुआ है, इसीलिए ये मोटर अभी बंद है। जैसे ही ये पानी जीवन से नीचे आएगा, वैसे ही ये जो सेंसर होता है, ये जो हमारा ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोलर होता है, ये मोटर को ऑन कर देता है। यदि इनलाइन सब सेंसर जो है उस पर पानी आ रहा होता है या सप्लाई लाइन में पानी आ रहा होता है, तो जो टैंक है वो हमारा फिर से दोबारा से फिल्ड हो जाता है। और यदि मान लीजिए इनलाइन सेंसर या जो आपकी इनलेट पाइप है जिसमें पानी नहीं आ रहा हो, तो उस कंडीशन में ये जो सेंसर है ये मोटर को चालू तो करेगा लेकिन एक मिनट के अंदर ही दोबारा से उसे बंद कर देगा। दोस्तों देखिए, हमने ये सेंसर जो है इन्हें इस एक रॉड पर इंस्टॉल कर लिया है और अब हम आपको इसमें ऑपरेट करके बताते हैं कि हमारा जो WLC यानी कि वाटर लेवल कंट्रोलर वह किस तरह से ऑपरेट होता है। तो देखिए, अभी चूँकि तीनों सेंसर बाहर हैं यानी कि ये पानी के अंदर नहीं है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी टैंक हमारा खाली है। तो जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑन करोगे तो वाटर लेवल कंट्रोलर ये सेंस करेगा कि टैंक में पानी नहीं है। इस कंडीशन में अगर इनलाइन सेंसर्स में पानी आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा, तो हमारी मोटर जो है वो वाटर लेवल कंट्रोलर द्वारा ऑन कर दी जाएगी। लेकिन यदि पानी नहीं आ रहा होगा इनलाइन सेंसर में, यानी नगरपालिका की सप्लाई से पानी अभी नहीं छोड़ा गया है, तो उस कंडीशन में एक मिनट तक वाटर लेवल कंट्रोलर मोटर को ऑन रखेगा और एक मिनट के बाद मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए इनलाइन सेंसर में पानी आ रहा है, तो फिर ये टैंक में पानी भराना स्टार्ट हो जाएगा, मोटर कंटिन्यूसली रन करती रहेगी। और जब ये जो हमारा ब्लू वाला यानी कि जो B1 वाला हमारा सेंसर है, जब इसके ऊपर पानी आता है यानी टैंक में पानी पूरा फुल हो जाता है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में जो वाटर लेवल कंट्रोलर होता है वह मोटर को बंद कर देता है, उसे स्विच ऑफ कर देता है। तो चलिए इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि सारा ऑपरेशन किस तरह से वाटर लेवल कंट्रोलर द्वारा किया जाता है। तो देखें आप, जैसे ही हमने पावर सप्लाई को ऑन किया, मोटर हमारी ऑन हो चुकी थी। अब चूँकि पानी इसमें आ रहा है टैंक में, तो पानी आने के कारण अब ये टैंक जो है वो हमारा फिल होना चालू हो गया है। अब हम इसमें ये सेंसर्स जो हैं वो इंसर्ट कर देते हैं और आप लोग देखेंगे कि इसमें जो पानी जो है ऑलमोस्ट फुल भरा हुआ है। तो हम जैसे अगर मान लो ब्लू वाले सेंसर्स को जैसे ही इसमें पानी में हम लोग इंसर्ट करेंगे, तो जो मोटर है वह बंद हो जाएगी। तो चलिए इसे मैं पानी में पूरी तरह से इसे डुबा देता हूँ। तो देखिए, हम जैसे ही हमने इसे पानी में डुबाया, तो वैसे ही मोटर जो है वह अपने आप ही वाटर लेवल कंट्रोलर द्वारा ऑफ कर दी गई। तो इस तरह से ये वाटर लेवल कंट्रोलर वर्क करता है। और देखिए, इसमें एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूँ कि अब इस कंडीशन में यदि वाटर का जो लेवल है टैंक में, वो जैसे ही ये जो
जीवन होता है सेंसर, यहाँ पे ब्लू तार लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही जीवन के नीचे जाता है तो मोटर जो है वह फिर से दोबारा वाटर लेवल कंट्रोल द्वारा ऑन कर दी जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि मोटर जो है दोबारा से ऑन हो चुकी है। दोस्तों यदि आप इस WLC कंट्रोलर को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाइंग लिंक मिल जाएगी, जहां से आप अमेजन के थ्रू इसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।